हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज है संडे वैसे तो। तो फ्रेंड, एक्चुअली इधर बहुत ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रेंड्स मैंने कल वीडियो अपलोड करने के लिए डाला था, लेकिन हुआ ही नहीं। मेरा सारा जितना डाटा था सब ख़त्म हो गया, लेकिन अपलोड ही नहीं हुआ। 75% कुछ अपलोड हुआ था, उसके बाद अपलोड ही नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या, मेरा तो सारा डाटा ही ख़त्म हो गया है, तो कहाँ से अपलोड करूँ। तो फिर मतलब हम लोग का गांव एरिया में पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है कि क्या, जो कस्टमर कॉल को कॉल तो की थी, लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कि नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा नेटवर्क कवरेज एरिया में रहते हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा, इशू हो नहीं रहा है। लेकिन कल से इतना नेट स्लो है, कल से नहीं, 1 वीक हो रहा है। मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मिनिमम मेरे को वीडियो अपलोड करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन नहीं, 5-6 घंटा लग रहा है मेरे को एक वीडियो अपलोड करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ्रेंड्स, आज मैंने पूरा सारा जगह में छान मार लिया कि इधर क्या, कहाँ पे फुल नेटवर्क आ रहा है। तो बस यही मेरा, ये जो किचन का खिड़की है, यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए मोबाइल को इसे बांध के रख दिया है प्लास्टिक में, क्योंकि यही एक तो जगह है जहाँ पे कि फुल नेटवर्क आ रहा है, और सब जगह छान मारी, कहीं पे नहीं नेटवर्क, नहीं कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और आज हम लोग का घर थोड़ा सा सुना सुना है, क्योंकि डुगलू चला गया अपना बुआ लोग से मिलने के लिए, तो वो है नहीं घर में, एकदम पूरा सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वो रहने से बस उसके ऊपर चिल्लाते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, बस ये सब चलता है, अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो और फ्रेंड्स, अभी सुबह उठ गए हैं सब कोई, कुछ काम उम किए नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी थोड़ा देर पहले ही सब कोई उठे हैं। और मैं बना रही हूँ आज सत्तू पराठा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये प्याज, यहाँ पे है सत्तू, और इधर मैंने आटा भी लगा दिया है, और ये नींबू काट के रखी हूँ। तो बनाऊंगी आज सत्तू का पराठा। मतलब तो बहुत पहले मैं खाई थी ये पराठा, जब मैं दीदी लोगों का फ्रेंड के घर गई थी रांची, तब मैंने खाया था। तो आज बस ट्राई कर रही हूँ इतना सालों के बाद कि कैसा लगेगा कैसा नहीं, तो बस वही बनेगा। और वैसे तो बहुत सारे काम करने हैं जो मन ही नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि धान उन सब पकने पर आ गया है। बाद में जाएंगे खेत तरफ, देख के आएंगे कि क्या हालत है अभी हम लोग का धान का, मतलब पकने पे हो गया है कि और थोड़ा सा टाइम लगेगा, गए भी नहीं है काफ़ी दिन हुआ, जाएंगे। वही अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे को बताइएगा कि आपको मेरा जुगाड़ कैसा लगा, जो मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए डाला है यहाँ पे प्लास्टिक में बांध के। क्या तो करो, यही जगह पे ही तो फुल नेटवर्क आ रहा है, कहीं नहीं।
तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ धान काटने के लिए। यहाँ पास में ही खेत है भाभी लोग का, तो कॉल की थी कि छोटा सा ये खेत है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तो आ जा जल्दी ख़त्म होगा। तो फिर जा रही हूँ उधर ही धान काटने के लिए। अरे रोटी कैसे लग रहा है बताओ? अरे मैं बनाई हूँ ना इतना दिन के बाद, बहुत टाइम के बाद अच्छा बनाई है, गरम गरम है। क्या क्या मिलाई है रे अंदर में? सीक्रेट है, सीक्रेट रेसिपी मत बता, मैं भी कुछ बनाऊंगी तो नहीं बताऊंगी। मत बताना, मैं देसी वाला नुस्खा बनाती हूँ और तुम लोग विदेशी वाला नुस्खा बनाओ। इसमें सब देसी है, बना के खिलाना बोलता है, गली पीपी के चप्पल रखता है, उसके लिए बना खिलाएगा। हम लोग अभी घर भागेंगे बोल रहे थे। अरे मैं खाई उसके बाद पानी बोतल ढूंढ रही थी, बड़ा वाला बोतल ही नहीं मिल रहा था। ये तो हम लोग दोनों में नहीं खत्म होगा बोल के चलो रे घर जाके खा के आएंगे बोल रहे थे, तो अभी चल जाते। अच्छा लग रहा है रे, थोड़ा अमचूर अमचूर लग रहा है। नींबू डाली हूँ, नींबू नींबू वाला है। अरे नींबू प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्चा और सत्तू। खाना खा के तो आए हैं लेकिन खेता में से कुछ खाने के लिए मन करता है। इसे हरे हम लोग का धान रे सीता शैतान जिसका। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ, मैं अपना हसुआ पकड़ के आ गई हूँ धान काटने के लिए। आज भाभी लोगों का काट के ख़त्म करेंगे तब तो सांग देवे ने भी, फिर हम लोग का जैगिना काटने के लिए। हम लोग का भी हो गया ही रहेगा, जब थोड़ा फुलक के आ जाएंगे उधर देख के। बाबू मन तो बहुत है वहाँ से, हरियार है रहे दिन हमें पानी रहे नहीं, लेकिन रौद करा थे घर ही। तो फ्रेंड्स हम लोग काट लेते हैं धान, एक तो खेत तो खत्म नहीं हुआ और एक तो खेत बाकी है। धान है चाली बे एक बोरा तो निकली ना दोस्तों, बेगर सेवा में तो इतना हो ही जाए तो ये खत्म हो गया ये वाला खेत, और एक खेत बाकी है, अभी जाएंगे उधर। ओ जी भी आया है, कखो भी आया है, और ये खाने ये चेरी भी आया है, धूप नहीं लग रहा है। गर्मी लग रही वाला खेत काटेंगे, ये लास्ट है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। One hour later. Friends, finally आज हम लोग आए हैं हम लोग का खेत तरफ घूमने के लिए, धान पका है कि नहीं देखने के लिए। मेरे हिसाब से तो हो गया है जैसे लग रहा है, जो थोड़ा पूछना पड़ेगा, थोड़ा हम लोग नहीं जान सक रहे हैं। तो हो ही गया है ये वाला खेत पर सबको ही, और चाची लोग का धान तो सो हो गया है, हम लोग का धान तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, चल हो ही गया लगनी यार लगाते थे। मेरे हिसाब से तो हो गया है जैसे लग रहा है। ये मनकर तो लागी और एक हफ्ता नहीं यार ने काकी मनकर, किया क्या मतलब हम लोग का धान पक गया है, कल सुबह से आना पड़ेगा धान काटने के लिए, नहीं तो ज़्यादा लेट करने से धान से झुरा जाएगा तो काटने में मज़ा नहीं आएगा, सब धान सब से टूट जाएंगे। तो थोड़ा सा हरा हरा है इसका नाला सब, तभी काट देना चाहिए। तो बस अभी जाएंगे घर, मैं जाके नहाऊंगी खाना खाऊंगी,
फिर उसके बाद कल जाके, कल सुबह आके काटेंगे। दिवाली के बाद हो जाएगा जिसे लग रहा था, जो पहले ही पक गया। चलो अच्छी बात है, दिवाली तक सारा काम निपट जाएगा। बउआ सुस्मिता के एक्सरसाइज हो गई, मैं तो तन वार्म अप कर ले लो कर ले। जा जाना हेल्प करना थोड़ा सा, मेरा तो बॉडी वार्म अप हो गया धान काट काट के। पापा चली।